और इधर हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ डॉल्फिन एक दिखी है अपन को, शायद से निकल जाएंगे उस साइड की तरफ। और अभी हम लोग आ चुके हैं मेन आइलैंड पे, यहाँ पे हमारी बोट उधर पार्क हो चुकी है। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है हर्ष और आज है सेकेंड डे हमारा पुरी में। अभी हम हैं स्वर्ग द्वार बीच के पास और हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे और हवा जो है काफ़ी तेज़ है तो वेव्स भी बहुत ज़्यादा तेज से आ रही है। अभी हम लोग खोज रहे हैं एक ट्रैवल एजेंसी जो कि हमको डे टूर पैकेज दे सके और हम आसपास के जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। बाकी आप इन वेव्स को देखिए, क्या ही शानदार लग रही है। कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इन वेव्स को। और हम लोग को आज थोड़ा सा लेट हो गया जिसके चलते जो डे ट्रिप होता है बस का वो हमको नहीं मिल पाया है, तो हमने लेक चिल्का वाला जो ट्रिप था उसको बुक कर लिया है प्राइवेट कैब में। जो बस थी वो जा चुकी है हमको, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अभी बज रहे हैं 9:30, तो अब हम लोग निकलेंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं पहले और यहाँ से फिर प्राइवेट कार करके जाते हैं लेक चिल्का, वहाँ बोटिंग वगैरह करेंगे, डॉल्फिन्स वगैरह देखेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। और हम लोग यहाँ समुंदर के जस्ट सामने बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने मंगाया है नॉर्मल कचौड़ी और आलू दम। यहाँ सड़क के किनारे बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। और सुबह सुबह हम लोगों ने बंगाली खाना खा लिया है, अब यहाँ से निकलते अपनी गाड़ी रेडी है। और इधर हम रास्ते में जा रहे थे तो यहाँ डॉल्फिन एक दिखी है अपन को, शायद डेड हो चुकी होगी। ये मर गया है क्या? और ये भाई अपने डॉल्फिन को उधर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से कूद के इधर आ चुकी है डॉल्फिन, अभी है जिंदा ही है भाई तरीके से। इतना तेज भीड़ है यहाँ पे और ये देखना अभी छोड़ूंगा। वो है 2500 रुपये, जिसमें हमको 2 घंटे की बोट राइड मिलेगी और बहुत सारी आइलैंड्स हैं और जो पॉइंट है जहाँ पर लेक और जो समुंदर है वो मिलता है, वाले पॉइंट पे भी जाएंगे। और ये ऐसी कुछ जगह है यहाँ पे बोट्स रखी हुई है, इसमें हमारी एक बोट होगी और हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ खाने पीने का हमने सामान रख लिया है ताकि बीच रास्ते में कुछ खाने की ज़रूरत लगी तो वहीं आए घूमने के लिए चिल्का झील। अभी डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे थे पर मौसम के कारण अभी प्रॉब्लम है करके, हवा ज़्यादा चल रहा है करके वो देखने नहीं मिलेगा इनको, मगर बाद में अभी देखेंगे सीम आउट देखेंगे आइलैंड पे देख के आ जाएंगे। अच्छा जगह अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे। ठीक है, जय जय। ये अपने भाई बोट को प्रिपेयर करते हुए इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। चुके अपने पॉइंट नंबर 1 पे, यहाँ पे हमको रेड क्रैप जो है वो दिख रहा है। आई गेस वीडियो बनाना मना है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे उस साइड की तरफ। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने मेन आइलैंड पे जो है सी माउथ, जिसके दूसरे साइड है बे ऑफ बंगाल। हमको यहाँ से 200 मीटर का वॉक करेंगे अगर आइलैंड के अंदर, तो बे ऑफ बंगाल उल्टा साइड में दिखेगा। ये है पूरी लेक चिल्का, ये वाला जो था मेन साइड था ये। और हम अभी आ चुके हैं वन ऑफ द आइलैंड्स पे जो कि लेक चिल्का पे है। यहाँ उतरते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को। और अभी हम लोग आ चुके हैं मेन आइलैंड पे, यहाँ पे हमारी बोट उधर पार्क हो चुकी है और अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ये वाला आइलैंड को, कुछ खाने पीने की चीज़ें देखते हैं। और ये है पूरा यहाँ की खेती, मतलब यहाँ पे ये जो पेड़ हैं ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं
और अब चलते हैं दूसरे साइड में। यहाँ से 200 मीटर्स वॉक करने के बाद है बे ऑफ बंगाल, तो उसको भी चलते हैं देखते हैं और बीचेस होंगे दूसरे साइड में। यहाँ पे एक डॉगी अपन को फॉलो करता हुआ, तो और दूसरे साइड में जो वेव्स की आवाज़ है वो आ रही है, एकदम रोरिंग साउंड जो है वो आ रही है दूसरे साइड, क्योंकि सामने है बीच और हवा चल रही है अभी बहुत तेज़ी से। और ये आइलैंड जो है पूरा सैंड का बना हुआ है, और चलते हैं देखते हैं दूसरे साइड में कैसे नज़ारे हैं। और हम लोग आ चुके हैं इस आइलैंड के दूसरे साइड पे, और एकदम फुल नेचुरल फीलिंग है यहाँ पे, कोई नहीं, एकदम आइसोलेटेड सा बीच है। और फाइनली हमने एक्सपीरियंस कर ली बे ऑफ बंगाल को, और अब हम आ चुके हैं वापस से लेक चिल्का की तरफ। और ये आगे वाली बोट अपनी है, तो अपना जो ड्राइवर है बोट का वो इधर ले आने की कोशिश कर रहा है बोट को। वैसे जो पानी है वो ज़्यादा गहरा है नहीं, और अकॉर्डिंग टू गूगल जो लेक चिल्का की मैक्सिमम डेप्थ है वो है 4 मीटर, कुछ गहरा नहीं है। और हम चढ़ते हैं बोट पे, पैर भी धुल गया, चलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम अब जाएंगे सीधा अपनी कार की तरफ। हो चुका है अपना जो एक्सपीरियंस है लेक चिल्का का कंप्लीट। और ये भाई अपना कुछ नो वीडियो नॉट अलाउड। निकलते हैं पूरी के लिए। और गाइस हम लोग आ चुके थे पूरी दोपहर में 3 बजे के टाइम में ही, और यहाँ पे हो रही थी बहुत तेज बारिश, तो ब्लॉग नहीं बन पाया। और बीच जो है वो यहाँ से 1.2 किलोमीटर से तो हम लोग पैदल ही चले जाते हैं यार। ऑटो वाला 100 रुपये मांग रहा है, जो कि देना मतलब 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपये देना तो ज़्यादा ही महंगा हो गया बिल्कुल। फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल पे, सो मिलते हैं अब कल के व्लॉग में और जगहों को एक्सप्लोर करते हुए।